हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आ गए फिर से अपने क्लास पे और आज का ये वीडियो हम जानेंगे कि हमारा जो एनडीसी और नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा का जो रीजनिंग टॉपिक है विलुप्त पद ज्ञात करना, इसके प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे देखेंगे कि इसके प्रश्नों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, किस वे में करना है और इसको हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें जिससे ये प्रश्न हमारे कम से कम समय में सॉल्व हो जाए, है ना। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं या हम जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स का सलूशन आज के वीडियो पे जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का ये जो मेरा जेपी यादव चैनल है इस पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्कूली लेवल पे कोई अगर कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हो, अगर नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो एनटीएससी एग्जाम है, इन दोनों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप सभी को कराता हूँ। तो अगर आप भी इन दोनों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो या आपके कोई दोस्त कर रहे हैं या आपके कोई रिश्तेदार कर रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि उनके लिए ये है वीडियो जो है कि हेल्पफुल हो सके। और हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम वो 16 जनवरी को है ना, एग्ज़ाम जो है कि पोस्टपोन नहीं किया गया था, है ना, एग्ज़ाम जो है कि 16 जनवरी को है। कुछ बच्चे मतलब ऐसे कमेंट्स में बोले थे आपका डाउट्स था कि एग्ज़ाम 16 जनवरी को है उसको क्या पोस्टपोन कर दिया गया, तो जी नहीं, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं है, आपका एग्ज़ाम 16 जनवरी को ही है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं नेशनल मिस कमेंट परीक्षा और नेशनल टैलेंट सर्च इस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। तो अगर आप सभी इस चैनल पे तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको जो इस एग्जाम से जुड़ी भी लेटेस्ट अपडेट है, जितने भी अपडेट्स है वो आप तक पहुँचती रहे, है ना। तो ठीक है, अब बात कर रहे हैं, अब आज क्या है, आज जो की न्यू ईयर है, मतलब आज की 1 तारीख है और 1 तारीख हो गया 2022, नया सत्र लग गया है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम के लिए ओनली 50 दिन बचे हैं, मतलब कि 15 दिन बची हमारे पास, ओनली 15 दिन बची हैं। तो इन 15 दिनों में हमें किस तरीके से तैयारी करना है उसका भी आज के शुरू पे जानेंगे, सही रणनीति एकदम बेहतरीन तरीके से कम किस वे से हम 15 दिनों तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनका कंप्लीट हम रिवाइज करेंगे और सभी टॉपिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व पेपर जैसा कि मैंने सॉल्व करा है उसका वीडियो भी जल्द से जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं मैं, आज की ये वीडियो जो विलुप्त पद ज्ञात करना है, इस टॉपिक से हर साल आपको 5 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आप एग्जाम में 5 से 8 नंबर इजली ले सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तभी पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, है ना। तो देखो, कई बच्चे क्या है, एग्जाम मतलब जो वीडियो लेक्चर है उसको ध्यान से नहीं देखते, समझ नहीं आता, है ना, समझ नहीं आता हो तो आप जो है कि पूरा वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आता तो एक वीडियो को दे और एक बार देखो और भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये चीजें हैं और बता दूं आपके पास एग्जाम के लिए ओनली 15 डेज बचे हैं और हो सकता है आपका एडमिट कार्ड भी अब आ जाएगा, आ गया होगा, आप अपने स्कूल में जो अपने क्लास टीचर है या प्रिंसिपल है वहां उनसे पता करेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम 16 जनवरी को है और आज तो नया सत्र शुरू हो चुका है, 1 तारीख है आज, 15 दिन बचे हैं, 15 दिनों में हमें किस तरीके से तैयारी करना है उसको जानेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम कैसे, एग्जाम की तैयारी 15 दिनों में कैसे करना है उसको पहले बताता हूँ, फिर इस टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, विलुप्त पद ज्ञात करना जो रीजनिंग का टॉपिक है उस पर। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने जितने भी टॉपिक्स के वीडियो बनाए हैं उन सभी रीजनिंग के टॉपिक को आप एक बार देखेंगे, ये यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है सेट पेपर की, तो सेट पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी हम जो है कि स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपके लिए लाएंगे, तो आप सेट का भी हम जो कि आपके लिए अवेलेबल करा देंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो अपना मेंट है उस पर हम किस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ परफॉर्म करने के लिए हम किस तरीके से तैयारी कर सकें। तो
फर्स्ट जो पॉइंट है उस पर आप ध्यान देखेंगे कि आपको जितने भी वीडियो लेक्चर डाले हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे, और जो 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 चीज आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करो। और मैंने आपको आपके वो जो कि हमारे चैनल पे जो भी 10 साल के पीयूएससी के जो भी क्वेश्चन पेपर उसको अवेलेबल करा दिया है, आप उसको जितना हो सके उसको सॉल्व करो, और जितना आप सॉल्व करोगे आप उतना जो है कि एक नंबर तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे, क्योंकि हमारे पास जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ लिए हैं क्लियर है, और उसका जब हमारे पास प्रश्न आएगा और हम उस प्रश्नों को सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाएंगे, उसमें जो है कि जितना ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे हम उतना ही जो है कि स्ट्रांग बनेंगे, और उसमें हम जो है कि एग्ज़ाम में कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम जो है कि वहाँ पर मजबूत बन सकते हैं, आप वहाँ पर स्ट्रांग बन सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब बात आती है ये जो जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको आप सबसे पहले एक बार रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, और जितने कि मैंने 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जो है कि अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप सभी जो है कि उस वीडियो को जा करके देख सकते हो, आई बटन पे पड़ा है वो वीडियो, और आप जा करके देख करके डाउनलोड करो, आप जो है कि PDF डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आप वहाँ पे मजबूत बन जाओगे, वहाँ पे आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उस टॉपिक पे, तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से कम समय में उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब वैसे भी ठंडी का मौसम है, तो ठंड में आपको ठंड है या कुछ भी है, बरसात है या कुछ भी है, आपको पढ़ना है तो सिर्फ आपको पढ़ना ही है, आप अपने मन में कोई भी चीज़ को पाने के लिए अंदर से जागरूक हो जाओ, और वह भी वैसे भी नया नया साल शुरू है तो अपने लाइफ के लिए नया नया स्ट्रगल है, नए नए सपने हैं, सपने देखना चालू करके वहाँ पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा साथ कोई देने वाला है तो नहीं, तुम्हें खुद अकेला चलना है, इसीलिए ठीक है तेरे को खुद से चलना है, खुद को चलना सिखाना है, फिर खुद जब गिर जाएगा फिर खुद उठ करके चलना तेरे को फिर से, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है, इसीलिए तू अपने और अपने माँ बाप के लिए अभी से अच्छे से मेहनत करना शुरू करेगा तो जो अगले आने वाला जो साल है और जो भी बेस्ट है वो तेरा बेस्ट होगा, क्योंकि इस एग्जाम में अगर तेरा सिलेक्शन होना है तो सिलेक्शन होने के बाद तेरे को 2000 रुपये हर मंथ मिलेगा, है ना, 2000 रुपये पढ़ाई के साथ आप इनकम करोगे, तो ये पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो आप सभी अगर अभी मेहनत करोगे सिर्फ ओनली 15 डेज, आप नोट्स बनाएं, वीडियो देखें वो तो है, लेकिन लास्ट जो 15 डेज है इसमें आपको महामैराथन महासंग्राम करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, अपने खुद के लिए पढ़ो, खुद पे स्ट्रगल करो, खुद को हराओ, खुद को जीतो, खुद पे काम करो, आप उतना ज़्यादा निखर जाओगे। तो इस तरीके से आपने पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है, आप जो है कि अभी थोड़ा सा आप देखो आपका एग्जाम बोर्ड वालों का एग्जाम जो है कि 3 मार्च से टाइम टेबल भी आ चुका है, तो आपका 3 मार्च से तो आप खुद तो प्रैक्टिस करेंगे होंगे, अर्धवार्षिक पेपर है आया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस रहा होगा, सिलेबस भी तो हो गया होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब क्या पता हुआ है कि नहीं मेरे को पता नहीं है। तो 15 डेज में अगर आप इसको एक दिन में 2 से 3 घंटा दोगे तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे यार, सही सही बता रहा हूँ मैं, और टॉपिक्स रिवाइज करो और वहाँ पे जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तभी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। अब बात करते हैं सेट की, तो सेट पे आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया था सेट में पढ़ने की रणनीति कैसी रहनी चाहिए, तो विज्ञान में आपका जितना भी पार्ट है विज्ञान में उसका हमने सीखा पढ़ना क्लियर है, और आपको सामाजिक विज्ञान में आपको डेली बुक्स पढ़ना था, और बुक पढ़ते पढ़ते जो भी चीज़ मेन पॉइंट लगती है वहाँ पे अंडरलाइन कर दो और उस चीज़ को याद करो, क्योंकि स्वयं और नाम वगैरह कौन कहाँ पे क्या किया यही सब चीज़ें पूछी जाती है वहाँ पे, और मैथ्स का अपना जो है कि देखो 40 प्रश्न अपना साइंस का आना है, 40 प्रश्न सोशल का आना है, 20 प्रश्न मैथ्स का, 100 प्रश्न आना है ठीक है, और 100 प्रश्न मैथ्स का, 200 मार्क्स का नंबर पेपर होना है, क्लियर है। अब इस तरीके से आप जो है कि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे इस चीज़ पर आप जो है कि एग्ज़ाम में अच्छे सब परफॉर्म करके सिंपल से आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे, सिंपल सा मेरा यही आप सभी के लिए मैसेज है, निर्देश है। अब मैं बात करूंगा अपने टॉपिक की विलुप्त पद ज्ञात करना, तो डायरेक्टली मैं आप जो कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है हम उसको क्लियरली अब समझना शुरू करते हैं, जिसने कह लिया है अब उनको क्वेश्चन चाहिए तो चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पे अब लिखता हूँ, उसके बाद हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और विलुप्त पद ज्ञात करना सब ये जो है कि ये जो प्रश्न है ना इस टॉपिक में
हर कोई सॉल्व कर नहीं पाता, उसमें आपको जितना सके अपना माइंड दौड़ाना पड़ता है, किस तरीके से होता है क्या होता है तो पता ही नहीं, जब क्वेश्चन देखोगे तब पता चलेगा। इसलिए मैं बिना किसी देरी के अब क्वेश्चन जो है कि सॉल्व कराना आपको शुरू करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पढ़ना है, और तुम्हें पढ़ना ही है, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। इसलिए अभी से अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारा अगले आने वाला जो भी महीना है साल है वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा जब तुम अभी से मेहनत करना चालू कर दोगे। तो चलो मैं आप जो है क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलो मैं आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आपके सामने रखता हूँ। इसके प्रश्न विरुक्त पद ज्ञात करना टॉपिक है, तो इसके प्रश्न किस तरीके से रहते हैं इसको देखेंगे और फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहते हैं, आपको कुछ यहाँ पे त्रिभुज है तो हो सकते कोई वर्ग रहते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा हमारा आएगा यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है। तो चलो शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा संख्या आने हैं चार ऑप्शन से ये बताना है। तो प्रश्न हमारे कुछ इसी प्रकार से रहते हैं, बट यहाँ पे कुछ जैसे कि क्वेश्चन मार्क है तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह जो विलुप्त पद रहते हैं उसको हमको ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सिंपल सी यहाँ पे क्या मेथड दिया गया है, यहाँ पे त्रिभुज के बाहर तीन संख्या दी गई है और उनके बीच कोई भी संख्या की गई है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, उन संख्याओं के द्वारा जो त्रिभुज के अंदर जो संख्या है वो हमें प्राप्त होती है। तो चलो मैं जो कि शुरू करता हूँ इसको, अगर हम बाय द वे इन सभी को ऐड करते हैं तो क्या ये नंबर आएगा, तो चार दो छः और छः और पाँच ग्यारह, तो ये नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आना। अगर हम उसको गुणा करें तो पाँच में दस, दस चौक चालीस, ऐसा भी नहीं हो रहा है, हो सकता है गुणा या प्लस का हो। तो चलो सिंपली मैं यहाँ पे जो आएगा उसको सीधे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ये वाली संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा हुआ है, तो पाँच दूनी दस हो जाएगा और नीचे वाली संख्या को इनके साथ ऐड करना है, तो जो है कि चौदह हमको प्राप्त होगा, जो कि ये इस त्रिभुज के अंदर में दिया गया है, तो ये इसके लिए फॉलो कर रहे हैं। अब जो नियम हमने यहाँ पे लागू किया उसको यहीं पे लागू करते हैं, और लागू करने पर क्या ये इकतीस आता है, अगर आता है तो सेम चीज़ इसी के लिए भी फॉलो करेंगे। तो देखो जैसा कि यहाँ पे जो ये वाली संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा करना है, तो इनका आपस में अगर हम गुणा करें पाँच पंचे पच्चीस आ जाएगा, उसके बाद नीचे वाली संख्या छः को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इकतीस, तो इसके लिए भी फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए। अब जो चीज़ें यहाँ पे हमने मेथड लगाया, जैसा कि त्रिभुज के यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं इनका आपस में गुणा करना है और नीचे वाली संख्या को उनके साथ ऐड करना है जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है। तो क्या होगा, जो गुणनफल प्राप्त हुआ और नीचे वाली संख्या को ऐड करने पर त्रिभुज के अंदर जो संख्या दी है वो हमें प्राप्त होता है। सेम चीज़ हमने इसी के लिए फॉलो किया, तो यहाँ पे भी ये चीज़ फॉलो हुई, ठीक है। हम बात करते हैं इसका, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चार ऑप्शन में से हम जो है कि शुरू और लास्ट, यहाँ पे जो शुरू में जो संख्या है इनको सिंपली रख के देखते हैं, और उसके बाद रखने पर और ऐड करने पर ये संक्रिया करने पर सिंपली जैसा कि हमने यहाँ पे किया सेम चीज यहाँ पे भी करना है, लेकिन इस विलुप्त पद की जगह इन चारों ऑप्शन में जो संख्या दिए गए हैं उसको रखना है ना, और जिसमें रूल्स फॉलो करेगा जिस संख्या को रखने पर सत्रह आ जाएगा तो वो हमारा आंसर होगा। तो चलो मैं पाँच को पहले रख करके देखता हूँ, यहाँ पे बाय द वे हम पाँच रखते हैं तो पाँच और छः का यहाँ पे गुना होगा, तो पाँच छः की तीस, और तीस और पाँच को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा पैंतीस, जो है कि ये गलत है, ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम बाय द वे दो को रख के देखें यहाँ पे, तो छः दूनी बारह, बारह और पाँच सत्रह, सत्रह आ गया, तो ये हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से विलुप्त पद के प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको, जितना हो सके यहाँ पे अपना माइंड यूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया कि जो प्रश्न है इसमें क्या हुआ है, जो त्रिभुज के बाहरी में तीन संख्या दी गई है और यहाँ पे जो दो संख्या जो राइट साइड में दी है पाँच और दो, इनका आपस में गुणा हुआ और नीचे वाली संख्या को ऐड कर दीजिए।
तो इनका आपस में गुणनफल हुआ, गुणनफल से जो प्राप्त हुआ उसको हम चार के साथ ऐड करेंगे तो 14 प्राप्त हुआ। सेम चीज इसके लिए भी फॉलो करेंगे तो 5×5=25 है ना, और नीचे में 6 इसको ऐड करेंगे तो 31 जो कि त्रिभुज के अंदर दिया है। अब हमने इसमें चार ऑप्शन में से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था तो वहाँ पे रख करके देखिए, 5 को रखा तो 35 आ रहा था और यहाँ इसके अंदर जो कि है नहीं। अब हम 2 को रखें, सेकेंड ऑप्शन पे 2 है तो 6×2=12 और यहाँ पे नीचे वाली संख्या 5 को ऐड करने पर 17 आ रहा है जो कि त्रिभुज के अंदर दिया है तो वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से जो विलुप्त पद के प्रश्न हैं उसको सॉल्व किया जाता है। ये तो एक क्वेश्चन हुआ जिससे आपको आइडिया हो कि इसके प्रश्न किस तरीके से रहते हैं और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम आपके लिए और प्रश्न आते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ आ जाए। ओके दोस्तों, अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कि वृत्त दिया है, वृत्त को 4 डिवाइड पे बांट गया है मतलब 4 पार्ट्स पे, और यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं कुछ नंबर के बीच संख्या करके आया है। यहाँ पे जैसे कि विलुप्त पद जो है क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे कौन से नंबर आए हैं 4 ऑप्शन में से हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें क्या मेथड होगा इसको मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जो यहाँ पे ऊपर में जो संख्याएं हैं 5 और 4 है ना, 5 और 4 को ऐड करने पर जो यहाँ पे अपना जो राइट साइड है ना उसको ऐड करने पर जो संख्या जो कि आएगा, और उसके बाद लेफ्ट साइड में जो इसके नीचे है इनके आपस में गुणा करने पर आएगा। सिंपली इसमें ये मेथड यूज हुआ। देखो ध्यान से समझो क्या करना है, ऊपर पे दो संख्या 5 और 4 इनको ऐड करने पर जो राइट साइड पे संख्या है वृत्त के नीचे मतलब कि ये है वो आएगा, और इनका आपस में गुणा करने पर इसके जो लेफ्ट साइड है वो वाला संख्या आएगा। तो ठीक है, सिंपली मेथड ये यूज हुआ कि 5 और 4 जो ऊपर में है इनको ऐड करने पर 9 आ जाएगा और 5×20 गुणा करने पर लेफ्ट साइड वाला संख्या आ जाएगा। अब सेम यही चीज रूल्स इसके लिए फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 8 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 है, और उसके बाद इनका गुणा कर देना है 8 और 3 का, तो यहाँ पे 8 और 3 का गुणा करने पर 24, तो यह जो है यहाँ पे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वृत्त के डिवाइडेड पार्ट्स पे ऊपर वाले जो संख्या है उनके ऊपर हमें संक्रिया करना है जिससे हमारे नीचे वाला संख्या आएगा। क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या है सबसे पहले इसको ऐड करना है, ऐड करने पर वृत्त में जो राइट साइड में जो संख्या है वो हमें प्राप्त होगी 5 और 4 को ऐड करने पर 9 प्राप्त हुआ। अब उसके बाद इनका आपस में गुणा करना है 5×20 जिससे हमको लेफ्ट साइड वाला संख्या प्राप्त हुआ 5×5, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 5×5=20 क्लियर। अब सेम चीज हमको यहाँ पे भी फॉलो करें तो यहाँ पे 3 और 8 मतलब कि जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उसको जो संख्या ली गई है उनके साथ संक्रिया किया, तो 3 और 8 है तो उनके साथ संक्रिया करने पर 11 आया जो कि राइट साइड पे है। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, इस पर इनका आपस में गुणा करना है, और गुणा करने पर 8×3=24 जो है कि वृत्त के राइट लेफ्ट साइड पे दिया है ना। तो इनका आपस में हमको जोड़ और गुणा करना है जिससे हमको नीचे वाली संख्या प्राप्त होगी 5 और 4 ऐड करने पर 9 5×20 8 और 3 को ऐड करने पर 11 और 8 और 3 को गुणा करने पर 8×3=24। अब सेम चीज इसमें भी फॉलो होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी 9 और 4 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 13 जो है कि यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे कौन सी संख्याएं हैं, तो सिंपली यहाँ पे जो संख्या आ रही है उसके लिए जो ऊपर में जो संख्याएं दी जाती हैं इनके आपस में गुणनफल होते हैं, तो यहाँ पे भी जो 9 और 4 हैं उनका हमें आपस में गुणा करना है, तो 9×36 तो है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 36 आएगा और वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है 36 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। विलुप्त पद के यहाँ कौन सा संख्या आएगा, तो इसके लिए हमको बहुत सारे संख्याओं के बीच जोड़ घटाओ स्क्वायर क्यूब इन सभी की जो भी प्रक्रिया है जितना आप अपने दिमाग को यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे कौन सा एक्चुअल में जो क्या चीज यहाँ पे हो रहा है अगर आपको पता चल जाएगा इन दोनों पे, अगर वो चीज पता चल गया वो ट्रिक है ना, तो सेम ट्रिक उसमें भी फॉलो करके उसका आंसर आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐड करने पर ये आया 5 और 4 को ऐड किया 9 5×20, तो ये एक प्रकार से एक ट्रिक हुआ, ये संख्याओं के बीच में जो इनकी संख्या है उनके बीच में ट्रिक है। तो वही ट्रिक और जो
ताकि क्वेश्चन है उनके द्वारा ही हम इसके प्रश्न को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न को इसको सॉल्व करना है, और आप इन प्रश्नों का अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये उतना ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा, आपके लिए ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि अधिकतर यही ज़्यादा टाइम खा जाता है। बहुत बच्चों को के लिए विलुप्त पद याद करने वाला जो पार्ट रहता है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से काम करना है। तो ये तो रहा सेकेंड क्वेश्चन, अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो मैं जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और ये क्वेश्चन आई होप आप सबको समझ में आया होगा, समझ आया होगा तो एक लाइक। ओके तो चलो मैं बिना किसी देरी के भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो आप सभी को पता ही है कि आप विलुप्त पद ज्ञात करने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा उसको करना है। सिंपली यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, जो भी संख्याएं रहती हैं उनके आपस में संक्रियाएं रहती हैं, जो भी संक्रिया है जोड़ने का घटाने का गुणे का भाग का, इसमें आपस में संक्रिया करके जो संख्याएं हैं वो हमको प्राप्त होती हैं। तो इसमें कौन सा मेथड है उसको देखते हैं और इसका आंसर क्या होगा इसको भी देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसके प्रश्न को सॉल्व करने का। इसमें सिंपल से क्या मेथड लगेगा आपको मैं बता दूं, ये 5 है, 50 नहीं ये 5 है, क्वेश्चन ध्यान से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, वृत्त के सर्कल पे देखो, यहाँ पे अंदर एक सर्कल है बाहर एक सर्कल है, तो यहाँ पे एक सर्कल पे 3 संख्याएं हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे 3 है 4 और 5 है, तो इनका आपस में हमें स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर हैं इनको हमें ऐड कर देना है। देखिए ध्यान से समझेंगे, जो सर्कल है अपने उनके पास, उस सर्कल के ये अपना सर्कल, सर्कल के अपने बाहर में 3 संख्याएं हैं, तो इन तीनों संख्या का आपस में क्या रहेगा स्क्वायर का, हमको स्क्वायर को ऐड करना है। तो जो 3 के स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये 25 तो 25 है, 9 और 5 15, 9 और 6 15 का 5 हाथ में, एक और एक 2, और ये 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो सर्कल छोटा सर्कल है उसके अंदर जो संख्या है वो 50 दिया है। तो सिंपली यही मेथड इसमें यूज हुआ है। क्या करना है देखो ध्यान से समझेंगे, आपने जो सर्कल है उसके बाहरी में 3 संख्याएं दी हैं 3, 4 और 5, तो इनका आपस में स्क्वायर जो होते हैं इनके स्क्वायरों को आपस में हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो अंदर इस सर्कल पे दिया है, यानी कि 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। तो 9, 16 और 25 को जब हम आपस में ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमें 50 प्राप्त हो रहा है, जो कि इस छोटे वाले जो अंदर का सर्कल है उस पे दिया है। तो सेम मेथड यहाँ पे जैसे हमने यूज करके यहाँ पे लाया, यही मेथड को हम इसमें भी लगाते हैं, और क्या ये चीज उसको फॉलो कर रहे हैं इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर, सिंपली 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, है ना। अब इनको जब ऐड करेंगे आपस में तो 36 और जो है कि 4 कितना हो जाएगा 40, 40 और 1 41, और 41 इसके सर्कल के अंदर दिया है, यानी कि ये जो हमने अभी ट्रिक आपको बताया ये चीज इसमें भी फॉलो कर रहा है, इसमें भी फॉलो कर रहा है, तो इन दोनों में फॉलो करें तो तीसरे वाले में भी ये यही चीज फॉलो होगी, जिससे हम इजी तरीके से इस क्वेश्चन मार्क की जगह विलुप्त पद की जगह कौन सी संख्या आएगी इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सर्कल में जो बाहरी संख्या दी गई है 3 संख्या उनका स्क्वायर करना है, और जो स्क्वायर होगा उसका उनका आपस में हमको ऐड कर देना है ना, और ऐड करने पर जो योगफल हमें प्राप्त होगा वो इस सर्कल के अंदर आना है। जैसे कि यहाँ पे पिछले 2 सर्कल्स पे देखे हम, जो बाहरी संख्याएं थी उनका स्क्वायर को ऐड करने पर अंदर के जो सर्कल में संख्या दी है वो हमें प्राप्त हुआ, इसमें भी वही चीज है, तो इसमें भी यही यहाँ पे भी वही होना है। देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं 2, 4 और 5, तो इनका आपस में स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना। आप अभी आप एट या 10th क्लास में, तो आपको सिंपली 1 से 9 तक या 10 तक की जो संख्या है उनका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल सी चीजें, सामान्य सी बातें हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 25 को जब ऐड करा जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, है ना। तो जो 45 यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो विलुप्त पद वाले टॉपिक के प्रश्न है उसको सॉल्व करा जाता है। आपको कहीं से भी ये जो संख्या है उनका संक्रिया करके आपस में कुछ भी संक्रिया कर सकते हैं आप, तो उन्हीं संक्रियाओं का दिमाग लगाना है, अपना माइंड यहाँ पे यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, है ना। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आ जाएगा, है ना। कैसे आया यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे सर्कल के बाहर भी जो संख्या दी गई है उसमें 2, 4, 5, 3 संख्या दिया है, तो उसमें 2, 4, 5 का स्क्वायर करा, स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब जो स्क्वायर आए हैं उनका आपस में हम योग ज्ञात करेंगे, तो हम योग ज्ञात किए तो हमको 45 जो है कि योगफल प्राप्त हुआ। तो यही 45 इस सर्कल के अंदर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आना है, इसका आंसर वही रिजल्ट डिफाइन होगा, है ना। तो ये चीज हमने करी कहाँ से, ये चीज हमने यहाँ से करी क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड सर्कल है उसके लिए हमने यही मेथड यूज किया, है ना। तो जब फर्स्ट और सेकंड पे फॉलो करेगा तो सिंपली ये थर्ड पे भी यही चीज फॉलो होगी। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। बाहर पे जो सर्कल पे संख्या दी है उनका स्क्वायर करना है और स्क्वायर पर जो हमें प्राप्त होगा उनको आपस में जोड़ना है, जोड़ने से जो योग फल आएगा वो सर्कल के अंदर दिया है। यहाँ पे हमको वहाँ पे नहीं दिया था, विलुप्त पद का मतलब कि पद को गायब कर दिया गया, तो हमको वहाँ पे डिफाइंड करना था। तो हमने क्या करा, तीनों जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करा, स्क्वायर ज्ञात करने के बाद जो उनके वर्ग हैं उनका आपस में हमने योगफल किया, तो हमें योगफल 45 प्राप्त हुआ और इस क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आएगा, हमारे फर्स्ट ऑप्शन पे दिए हैं और वो हमारा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ जाएगा, फिर आप जो विलुप्त पद ज्ञात करने के जो टॉपिक के प्रश्न हैं उनका आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब मैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, वहां पे कौन सा संख्या आना है बताएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल से इसका जो मेथड है उसको, ठीक है। यहाँ पे वर्ग दिया गया है, वर्ग पे संख्या दी गई है, यहाँ पे संख्या दी गई है, यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ भी नंबर आएगा वो जो है कि इसको विलुप्त कर दिया गया, तो उसी विलुप्त पद को हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सिंपल ये चलो इसमें समझते हैं कि इसमें मेथड क्या यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे देखो 3 संख्याएं हैं वर्ग पे, उसके बाद जो लास्ट में संख्याएं हैं वो जो है कि 3 अंक की हो गई है और ये जो है कि 1-1 अंक की है, है ना। तो देखो इसमें सिंपल से ट्रिक क्या यूज हुआ है, तो आप ये समझेंगे कि यहाँ से जो 3 1-1 अंक वाली जो संख्याएं हैं उनका आपस में गुना करना है, ठीक है। तो इनका जब आपस में गुना करेंगे 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 135, तो जब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुना करेंगे तो हमको जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो इसके नीचे में दिया गया है चौथे नंबर के बॉक्स पे, ठीक है। ये समझो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर के जो बॉक्स में संख्या दी गई है उन तीनों संख्याओं का आपस में गुणनफल गुना करना है, और गुना करने के बाद जो गुणनफल दिया है जो हमें प्राप्त होगा वो चौथे नंबर के बॉक्स पे दिया है। तो ठीक यही चीज हम जो नेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए भी अप्लाई करेंगे, तो क्या हमें आंसर प्राप्त होगा 5, 7, 4। फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर के बॉक्स पे जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को हमें आपस में गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140, और ये 140 चौथे नंबर पे के जो बॉक्स है वहां पे दिया है,
तो ठीक उसी प्रकार से जो थर्ड नंबर पे यहाँ पे है बॉक्स, उस बॉक्स पे क्या करना है, यहाँ पे केवल दो संख्या दी गई है और इस मिसिंग नंबर की जगह हमें इन फोर ऑप्शन में से कोई, अभी हम फोर ऑप्शन पे संख्याओं को रख करके देखेंगे और यहाँ पे जो भी संख्या आएंगी इन सभी का जब हम तीनों में आपस में गुणा करेंगे तो हमें 150 प्राप्त होना है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसको आप रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो सिंपली मैं उसी को रख करके सॉल्व करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अब थर्ड नंबर को सॉल्व कर लेगा, देखेंगे अगर हम 8 रखे भाई जावे तो 6 × 8 × 5 ठीक है, तो 6 × 5 = 30 और 30 × 8 कितना हो जाएगा 240, 30 × 8 तो 240 हो गया है, तो ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे 150 हमें लाना है तो ये इसका फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये तो होना नहीं है। अब हम मैथ से जो 10 है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये अब देखो 10 × 5 = 50, 50 × 300 इस पर भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं आया। नेक्स्ट जो 5 है हम इसको अगर चेक करें तो देखें 5 × 5 = 25, 25 × 150 हाँ 25 × 150 होता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 5 × 30 6 × 12, 12 × 3 = 15 तो ये 150। तो फाइनली जो 5 है वो इस विलुप्त पद की जगह आएगा, तब इन तीनों संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तब जाके हमके जो चौथे नंबर के बॉक्स पे 150 है वो प्राप्त होगा। तो इसका आंसर इस तरीके से 5 जो है कि डिफाइंड होता है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा कुछ हेल्पफुल रहा होगा और आप सभी अगर इस टॉपिक को क्लियरली करते हो तो आपका 5 से 8 नंबर एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखे तो आप क्लियरली एग्जाम पे अच्छे तरीके से जो विलुप्त पद ज्ञात करने के टॉपिक के प्रश्न हैं उसको आप अच्छे तरीके से हल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस आज के इस वीडियो पे इतना ही, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और लगे रहो अपनी तैयारी पे और इसी तरह से तैयारी करते हुए आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।